बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं शराफत चीमा और आप देख रहे हैं YouTube चैनल। आज एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि देसी गुड़ जो होता है वो किस तरह से बनाया जाता है। कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को विजिट करवाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त आप तक पहुँचता रहे। चलें आए आपको दिखाते हैं गुड़ की फैक्ट्री। ये जी बेलना है, वो एक तरफ से गन्ने इसमें लगाते हैं और दूसरी तरफ से जो इसका रस है, जूस रो जो इसको पंजाबी में कहते हैं, वो निकल रही है। नीचे थोड़ा सा इन्होंने खड्डा बना के उसमें कंटेनर्स रखे हुए हैं, पीपा जिसको बोलते हैं, उसमें रस आता जाता है और उसको निकालते जाते हैं। और दूसरी तरफ से यह जो इसका बगास है गन्ने का, एक तरफ से रस निकलता है, दूसरी तरफ से इसकी बगास निकलती है, इसको बाद में ये सुखा लेते हैं और सुखा के इसको बादन के तौर पर यूज़ करते हैं इसकी पकाई में। आप देखते जाए दो कंटेनर्स रखने की जगह बनाई गई है, यूं ही ये दो फिल होते हैं तो इनको निकाल के इनकी जगह खाली रख दिया जाता है और इसको उठा के वो उधर एक इन्होंने ड्रम रखा हुआ है कड़ाहे के पास जिसमें इसको पकाई करते हैं ना, उसके पास रखा हुआ है तो उसमें डाल देते हैं। आगे चल के आपको वो भी दिखाते हैं कि इसको किस तरह से पकाते हैं। आपको बिलतरतीब हम दिखाएंगे रस निकालने से कढ़ाई में डालकर पकाई तक। वो जो ब्लू कलर का ड्रम पड़ा हुआ है इसमें जाके ये रॉ मटेरियल डाल देते हैं इसका। अब उसकी नोज़ल खोलते हैं तो ये जो रस है ड्रम में से निकल के इस कढ़ाई में आ जाता है। इस बर्तन को कढ़ाहा कहते हैं, इसमें सारी इसकी पकाई होती है। ये 4 से 5 कंटेनर्स जो है ना वो इसमें डालते हैं एक वक्त में और फिर इसकी पकाई करते हैं। और एक वक्त में तकरीबन 20 kg के करीब गुड़ जो है ना वो तैयार होता है और इस एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में 2.5 घंटे लग जाते हैं, ऑलमोस्ट 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, ये वेरिएशन है इसकी। अब ये इसमें डाल दिया इन्होंने, दूसरी तरफ से इसमें आग लगी हुई है नीचे से और वो बंदा दूसरी तरफ से बालन इसमें लगाई जा रहा है और ये पकता जा रहा है और प्योरीफाई इसको कर रहे हैं। अब ये जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है कि ये मैल ऊपर बनी हुई है और ये जो बंदा बैठा हुआ है ये इसको छानने से उठा रहा है। जैसे जैसे ये पकता जा रहा है इसकी मैल ऊपर आती जा रही है, जो प्योर फॉर्म है वो नीचे बैठती जा रही है और इस मैल को आहिस्ता आहिस्ता इस छानने से ये उठाते जाएंगे। यही इसका प्रोसेस है। इसमें चंद एक चीज़ें ये मिक्स करते हैं, जिस तरह मीठा सोडा और रंग काट या सरसों का तेल, ये जैसे आपको देख रहे हैं ये इसमें मीठा सोडा डाल रहा है ये पानी में मिक्स करके। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो मैल है ना वो जल्दी जो है ना वो ऊपर आ जाती है। इसको प्योरीफाई करने में ये हेल्प आउट करता है मीठा सोडा, रंग काट, ये वाली चीज़ें। जैसे आप वो देखें ना, वो फिर से उसको उठा रहा है, आग उन्होंने ज़रा तेज़ कर दिया, जल्दी से पकाए। और ये इसका एक बड़ा मेथड होता है, आग का बड़ा हिसाब किताब रखना पड़ता है, कब तेज़ करनी है, कब स्लो करनी है, ये किस वक्त इसको मिलाना है। अब इन्होंने तकरीबन ये 1/2 घंटा पकाने के बाद ये फिर ये डाल रहे हैं इसमें मीठा सोडा जो है ना।
पानी में मिक्स करके ऐसा ऐसा ऐसे इसको ऐसे हाथ से डालेगा जैसे पानी का छिड़काव कर रहे हैं। मेरा ख्याल में इस वक्त 120 इससे भी ऊपर का टेम्परेचर जा रहा है। ये बंदा इसमें बादल लगा रहा है नीचे से, ये देखो फिर से वो इसमें डाल रहा है वो मीठा सोडा। जो ये आग जल रही है वो जो गन्ने का बगास है उसको सुखा के और उसके ऊपर का जो खोरी होती है उसको सुखा के ये वाली चीजें इसके बालन के तौर पे यूज होती हैं। कोई एडिशनल बालन साइड से नहीं लाना पड़ता। कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करूंगा। मैं कल ही डरे हैं नहीं होगा वाला। आ खोल एदा मुंह, उठ के सीधा कर। आप जरा आप खोल लीजिए मुंह के। इस वाले क्लिप में जान मुझे चाकता थी बैर है जस्ट शगल के लिए। आप इसको एंजॉय करें। अबे तो नहीं खोल नहीं खोल नहीं वाला होगा यार। नहीं नहीं अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। चॉकलेट छोड़ दो। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम? दीपा देख ली पार जाना मैं। तेरी बाहों में मर ये देखें जी, ये पकता जा रहा। अब ये काफी हद तक प्योर हो गया हुआ है। तकरीबन ये घंटा सवा घंटा ये पक चुका है, तो आधा पौना घंटा इसको मजीद लगेगा पकने में। अब जैसे देखें आप, इसका रंग भी वाइट हो गया। ये धुएं वाली जगह आए आपको राख जहाँ से निकालते हैं इसकी ऐश, वो वाली जगह दिखाते हैं। ये जी इससे इसकी ऐश निकलती है। इस जो पूरी ये जगह है ना, इसको चुब्बा बोलते हैं पंजाबी में। ये कड़ाहा रखा हुआ है, ये आग वाली जगह, ये राख वाली जगह है, सबको मिलाकर चुब्बा बोलते हैं। जो ट्रैक्टर के पीछे जो मशीन लगी है उसको बेलना। इस तरह जैसे पकाते जाएंगे मैल उठाते जाएंगे, उसके बाद ये कम हो गया, ये रह जाएगा। अब वो इसको चेक कर रहा है जी ये कितनी हद तक पक चुका है, कितना ये गाढ़ा हो चुका है। इसके बाद थोड़ा सा इसमें वो सरसों का तेल मिलाते हैं, उसका भी फंक्शन होता है। अब ये देखो जी, ये तकरीबन 3 से 4 बंदे हमें चाहिए होते हैं इस काम के लिए। इस वक्त आपने देखा कि वो रस निकाल रहे थे, 2 बंदे तो वहाँ पे लगे हुए थे, तीसरा उनको गन्ने ला ला के दे रहा था। और कम से कम 2 बंदे इस जगह पे चाहिए होते हैं। एक तो परमानेंट जो वो बालन अंदर डालता है आग लगाता, जिसको पंजाबी में चौका लगाना कहते हैं, एक तो परमानेंट उस साइड पे बंदा बैठा होना चाहिए। और एक परमानेंट बंदा ये जो कढ़ाई के ऊपर जो घुमा रहा है, इसमें चीज़ें ऐड कर रहा है, मैल उठा रहा है, परमानेंट ये बंदा चाहिए होता है। 2 यहाँ पे चाहिए होते हैं और 2 वहाँ पे, ठीक है। वो परमानेंट नहीं होते क्योंकि रस एक दफ़ा ये निकाल लेते हैं, तो 2-3 जो है ना वो पत्तों का ये एक दफ़ा निकाल के रख लेते हैं। तो जो बेलने पे 2 बंदे बैठे होते हैं वो उतने टाइम के लिए रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये जनाब आपको दिखाया जा रहा, अब ये मुकम्मल तौर पर पक चुका है। अब ये निकाल के कढ़ाई में से इसको एक दूसरे बर्तन में डालते हैं। इस बर्तन को गंड बोलते हैं पंजाबी में, और उर्दू में क्या बोलते हैं वो हमें मालूम नहीं है। मक्खियाँ शक्खियाँ काफ़ी उड़ रही हैं, शहद की दूसरी मक्खियाँ नहीं है, सिर्फ शहद की मक्खियाँ। तो ये तो होनी है मीठे पे। अब इस बर्तन में डालने के बाद इसको अच्छी तरह जो है ना वो हिलाते हैं, मिक्स करते हैं। इसकी डिफरेंट तहें होती हैं, इसको हिलाते हैं जनाब, ये राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये कभी इस तरह कभी उस तरह, ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और साथ ही साथ ये ठंडा भी हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसके जनाब वो पीसेस बनाएंगे, गुड़ की रोड़ियाँ पेसियाँ जिनको कहते हैं वो बनाएंगे। अब ये देखें, अब इन्होंने छाँव में रख लिया, ये थोड़ा ठंडा हो गया। वो हाथ लगा के इसको चेक किया जा रहा है कि हाँ जी ये ठंडा हो गया, थोड़ा सा हार्ड हो गया, इसकी हार्डनेस चेक की जाती है। तो अभी थोड़ी ही देर में ये जनाब इसके पीसेस बनाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी भी ये काफ़ी टेम्परेचर पर है। ये देखें आप जनाब, पीसे स्टार्ट हो गए हैं, बनाते जा रहे हैं ये बंदे। साथ प्याली में पानी रखा हुआ है, हल्का सा हाथ उसमें भगो लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है। जब उतार के ऐसे रखते हैं हाथ से तो हाथ काफ़ी ये गर्म फील होता है। ये देखें जनाब,
हमने भी यहाँ पे खाया, बड़ा अच्छा ये गुड़ बन रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं चक नंबर 160 EB तहसील ज़िला विहाड़ी में, तो वहाँ पे आपको ये दिखाया जा रहा है गुड़। ये गुड़ बनाते भी हैं, बेचते भी हैं, और किसी ने अपना कमाद इनसे प्रोसेस करवाना तो वो भी करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस चैनल के तवसल से आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग अच्छी वीडियो मिलने वाली हैं। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, तब तक के लिए।